भारत की ग्रोथ स्टोरी की कहानियां लिखते लिखते 2022 गुजर गया और 2023 में भी उम्मीद से बेहतर से बेहतरीन होने का सवाल है, लेकिन ग्लोबल हालातों को देखते हुए राह में कई चुनौतियां भी हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह। IMF ने दुनिया की बड़ी इकॉनमी के सुस्त पड़ने का अनुमान जताया है, जिसमें सबसे बड़ी बार चीन को पड़ने वाली है। पर मंदी की आशंका और अपने कम ग्रोथ रेट के अनुमान को देखते हुए चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी से यू टर्न लिया है। हालांकि इस फैसले के बाद कोरोना की मार को पहले से ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन क्या इकॉनमी की रीओपनिंग से चीन संभल पाएगा और मंदी के झटके को कम करने में ड्रैगन कामयाब हो पाएगा? और अगर चीन की हालात सुधरते हैं तो क्या ग्लोबल स्तर पर भारत के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी? क्या एक्सपोर्ट में कमी आएगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ...2022 से ही तय हो गया था कि दुनिया में मंदी दस्तक देने वाली है, और जैसे जैसे मंदी ने अपने कदम बढ़ाए उसका असर इस साल की शुरुआत से ही साफ नजर आने लगा है। महंगाई और कमजोर डिमांड के कारण जहां सबसे मजबूत इकोनॉमी अमेरिका तक सुस्त पड़ चुका है, वहीं यूरोप रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के असर से छटपटा रहा है। इन ग्लोबल चुनौतियों के बीच एक बार फिर कोरोना की खतरनाक रफ्तार ने दुनिया के मैन्युफैक्चर हब कहे जाने वाले चीन की इकोनॉमी को चरमरा कर रख दिया है। इन तमाम ग्लोबल चुनौतियों का असर भारत पर भी जरूर पड़ा है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी से अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं। Let's say 20 years from now, where 25% of the global demand will come from India. भारत की यही ताकत अब ड्रैगन को पस्त करने के लिए काफी है। जीरो कोविड पॉलिसी का खामियाजा ड्रैगन को भुगतना पड़ा और यही वजह है कि कई कंपनियां अब भारत में मौके तलाशने लगी हैं। कोरोना संकट के दौर में चीन में एप्पल के प्लांट से ही जोरदार विरोध करते कर्मचारियों की तस्वीर को भूले नहीं भुलाया जा सकता। चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी से यू टर्न भी लिया, लेकिन हालात संभले नहीं, और इसी की तस्दीक करता है हाल ही में सामने आया IMF चीफ क्रिस्टीना जॉर्जीवा का बयान, जिन्होंने कहा कि चीन के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा रहने वाला है। साथ ही उन्होंने मंदी को लेकर दुनिया को आगाह भी किया है। उन्होंने कहा है कि 2023 में एक तिहाई दुनिया मंदी का शिकार होगी। जिन देशों में मंदी नहीं आएगी वहां भी लोगों को बिगड़ते आर्थिक हालातों का सामना करना पड़ेगा। चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की धीमी होती अर्थव्यवस्था मंदी के लिए जिम्मेदार है। यूक्रेन युद्ध, बढ़ती महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें और चीन में कोरोना महामारी का आना भी दुनिया भर की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। चीन के लिए अगले कुछ महीने मुश्किल भरे रहने वाले हैं। 40 सालों में पहली बार चीन की इकोनॉमी ग्रोथ दुनिया की ग्रोथ की तुलना में कम रह सकती है। चीन में दिसंबर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां पिछले 3 साल के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। IMF चीन के बयान में अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन तीनों आर्थिक शक्तियों के नाम लिए गए हैं, लेकिन भारत का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे पहले भी IMF ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया था, लेकिन बावजूद इसके भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ग्रोथ रेट के अनुमान के आंकड़ों से साफ है कि भारत चीन के मुकाबले दोगुनी तेजी से विकास करेगा। ये तमाम आंकड़े सरकार की निवेश नीतियां और इंडियन इंडस्ट्री का अटूट हौसला जमीन पर एक ऐसी लकीर खींच रहे हैं जो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ साथ एक वर्ल्ड लीडर की ओर ले जा रहे हैं। और ये भारत ने अलग अलग मंचों से दुनिया को ये बताया भी है और जताया भी है। हाल ही में विदेश मंत्री S. जयशंकर ने एक इवेंट में कहा है कि वो दौर गुजर चुका है जब दुनिया हमारे बारे में बताती थी और हम उससे इजाजत लेते थे। भारत हमेशा ही एक ऐसी दुनिया के पक्ष में रहा है जहां देश अपनी पॉलिसी, इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज चुन सके। रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। 24 फरवरी को शुरू हुई इस जंग पर भारत का स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रहा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी रूसी हमले के खिलाफ बोलने के अमेरिकी और यूरोपीय दबाव को खारिज किया। इतना ही नहीं, इसके बाद रूस को अपना सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी बनाया। दरअसल ये पश्चिम को एक तरह से आईना दिखाना था। भारत ने अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल का जवाब बुलंद अंदाज में दिया। अमेरिका और यूरोप के तमाम दबावों के बावजूद भारत ने
रूस से क्रूड खरीदना जारी रखा और साफ किया कि भारत अपने फायदे और जरूरत के हिसाब से ऐसा करता रहेगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ईटनाव स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसे एक बार फिर दोहराया। साथ ही उन्होंने आने वाले समय के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी की बुलंद तस्वीर भी सामने रखी। So if the global rate is 1% growth, we are growing at 3%. और ये तमाम बातें केवल बयानों की बाजीगरी नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर भी ये बातें हकीकत होती दिखने लगी हैं। एप्पल गूगल जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं और अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर भी भारत होगा। कंपनी ने भारत में 4 बड़े डेटा सेंटर बनाने के लिए भारी निवेश किया है। इसके साथ ही एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन ने भी भारत पर रुचि दिखाते हुए 4,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। तो हकीकत यह है कि दुनिया में आने वाले वक्त में भारत अंधेरे में उजाला साबित होगा। ईटनाव स्वदेश। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फियो के डायरेक्टर जनरल और सीईओ अजय सहाय, डॉक्टर अजय सहाय, और साथ ही हमारे साथ है इकोनॉमिस्ट एलारा कैपिटल की सीनियर गरिमा कपूर और जेएनयू के डीन श्रीकांत कोंडापली। आप सभी का ईटनाव स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा कपूर, हम आपके पास आगे आना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले तक ये कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया में रिसेशन आ रहा है, चाइना रिसेशन का फायदा इंडिया को सबसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अब चाइना रिकवरी के मोड में आ गया है, कोविड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत के लिए चैलेंजेज अब बढ़ गए हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या और ज़्यादा मुश्किल से मिलेगी? पूछने के लिए थैंक यू। मैं इस सवाल का जवाब दो हिस्सों में देना चाहूंगी। जो इम्पैक्ट इंडिया पर रहेगा वो एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और एक मीडियम टर्म इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है, जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है कि बिकॉज रिकवरी स्टोरी खेल रही है, चाइना जीरो पॉलिसी अभी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, तो फॉरेन फ्लो जो है, FIF फ्लो, वो पैसा चाइना में जा रहा है। मिड दिसंबर से अगर हम डेटा देखें, अब तक का ऑलमोस्ट 4 वीक्स का जो डेटा है, वहां पे अगर चाइना डेडिकेटेड फंड्स का हम फ्लो देखें तो ऑलमोस्ट $5.5 billion चाइना में जा चुके हैं। उसके मुताबिक उनके तुलना में इंडिया में हार्डली एक अबाउट 100 million भी नहीं आए हैं। मतलब जो फ्लोज इंडिया को बेनिफिट कर रहे थे पिछले साल, वो भी चाइना की तरफ जा रहे हैं। वो इम्पैक्ट हमको इसमें भी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। पिछले साल MSCI इंडिया वाज एन आउट परफॉर्मर अक्रॉस द बोर्ड, MSCI EM को, MSCI चाइना को भी। अभी पिछले कई दिनों में, पर्टिकुलरली 2023 जैन के चलते, आपको इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है चाइना के कंपेरिजन में। तो नियर टर्म ये इम्पैक्ट रह सकता है फंड फ्लोज पे, करेंसी पे, एज वेल एज मार्केट परफॉर्मेंस पे। लेकिन मैं मीडियम और लॉन्ग टर्म की अगर बात करूँ, जो चाइना आज की डेट में हम जो चाइना की बात कर रहे हैं, वो चाइना बहुत अलग है जो चाइना 5 साल पहले तक था। अब चाइना के जो पॉलिसीज रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, एंड पर्टिकुलरली कोविड के चलते, उससे इकोनॉमी बहुत ज्यादा डीप स्लोडाउन, स्ट्रक्चरल स्लोडाउन में आ चुकी है, जहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वीक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी वीक है। अगर आप देखिए प्रॉपर्टी प्राइसेस और प्रॉपर्टी मार्केट को, इनको स्टेबलाइज करने की सबसे पहले जरूरत है, बिकॉज उससे कंज्यूमर नेटवर्क बहुत लिंक्ड है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू भी बहुत लिंक है। तो अगर आप मेरे को मीडियम टर्म से पूछेंगे, वीकनिंग डेमोग्राफिक, राइजिंग वेज कॉस्ट, एट द सेम टाइम वीक प्रॉपर्टी मार्केट्स, एंड अ फोकस जहाँ पे चाइना को इक्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है अपनी इनइक्वालिटी कम करने के लिए, वो चाइना जो अभी हमको दिखेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टिमुलेटिंग चाइना नहीं दिखेगा कम्पेयर टू व्हाट वी आर। तो उसके तुलना में क्लियरली चाइना प्लस वन का ऑफशोरिंग गेन जो इंडिया को मिल रहा है, प्लस चाइना इंडिया की जो ग्रोथ है ड्यू टू स्ट्रक्चरल पॉलिसीज, पर्टिकुलरली रिफॉर्म्स, इंडिजनाइजेशन, डिफेंस इंडिजनाइजेशन बोले, या फिर हम PLIs बोले, या फिर गवर्नमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज बोले, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडिया को चाइना से कोई खतरा नहीं दिखता आ रहा है। मेरे असेसमेंट में जो आप बात करें इम्पैक्ट की है, जैसे मैंने बताया, प्योरली शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रह सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ करेंसी एंड मार्केट परफॉर्मेंस। आपने ठीक कहा कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट रखता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म में इंडिया को फायदा होगा, लेकिन इंडिया का बेस भी बहुत कम है। डॉक्टर अजय शाह, हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमें ये अभी कुछ दिनों पहले तक ये कहा जा रहा था कि भारत के एक्सपोर्ट को काफी फायदा मिलेगा चाइना क्राइसिस के चलते,
और पिछले दो महीने में हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है। अब आपको क्या लगता है इस बदले हुए सिचुएशंस में भारत के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी ज़्यादा फायदा जो है कुछ इंडोनेशिया और इस तरह ब्राज़ील इस तरह के देशों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है चाइना क्राइसिस का, भारत अभी उतना फायदा नहीं उठा पाया है, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्टर हमारा कैसा रह पाएगा? नहीं देखिए, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट का सवाल है, अगर हम इस कैलेंडर ईयर की बात करें तो फर्स्ट 11 मंथ में हमारा एक्सपोर्ट 405 बिलियन डॉलर रहा है और हम ये जो फाइनेंशियल जो कैलेंडर ईयर है प्रॉब्ली 435 टू 440 बिलियन डॉलर पे करेंगे एज कम्पेयर टू 395 बिलियन डॉलर जो हमने 2021 में किया था। तो अभी भी हम 11% ग्रोथ देख रहे हैं, जिस तरह ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, जिस तरह वॉलिटिलिटी कमोडिटी करेंसीज में है, ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के साइड से। और हमारा जो अनुमान है कि डिस्पाइट द चैलेंजेस विच इज बीइंग फेस्ड बाय अस, जिस तरह का रिसेशन एडवांस इकोनॉमीज में आ रहा है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स अभी भी बाउंस बैक करेगा। जो दिसंबर के डाटा आएंगे वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव डेटा होंगे, क्योंकि जिस तरह का हम लोग के पास अभी शिपमेंट्स के डिटेल आए हैं, ये काफी पॉजिटिव डेटा रहेगा। ऑफकोर्स जब ग्लोबल ट्रेड खुद स्लो हो रहा है तो हमको ऊपर भी इसका कोई मॉडरेट असर आएगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। एक्सपोर्ट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। चाइना से जो हमारा ट्रेड का सवाल है, हमने देखा है कि हमारा एक्सपोर्ट्स जरूर इफेक्ट हुआ है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट अराउंड 15% डिक्लाइन पे चल रहा है, बिकॉज हम बेसिकली चाइना को कमोडिटीज एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, चाहे वो कॉटन हो, आयरन ओर हो, आयरन स्टील हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, और चाइना के स्लो डाउन होने से उन एक्सपोर्ट्स को हमारा प्रभावित हुआ है। लेकिन चाइना का स्लो डाउन या जो चाइना की अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उससे लगता है जैसे ऑयल प्राइसेस हैं, वो ऑयल प्राइसेस अभी भी सब्ड्यूड रहेंगे, बिकॉज डिमांड चाइना में भी कम रहेगी और डिमांड ग्लोबली कम रहने वाली है, तो उसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, चाहे हमारा उसका पेट्रोलियम एक्सपोर्ट थोड़ा प्रभावित हो, बट ओवरऑल हमें जो ट्रेड डेफिसिट फ्रंट है या करंट अकाउंट डेफिसिट फ्रंट है उस पर हमें जरूर इस फायदा मिलेगा। हमने देखा है सेकेंड क्वार्टर में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.4% है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो थर्ड क्वार्टर होगा उसमें लेस देन 3% होगा, प्रॉब्ली जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी हम 2.9-3% के बीच में करंट अकाउंट डेफिसिट रखेंगे। जहां तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट का सवाल है, चाइना प्लस वन की पॉलिसी का इंडिया को जरूर फायदा हुआ है। इसका फायदा ना खाली PLI में हुआ, ओवरऑल भी अगर FDI में देखें तो वो हो रहा है। इंडिया में जिस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, अगर हम अभी कैपेक्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में 100% से ज्यादा ग्रोथ हुई हुई है, तो अब इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ज्यादा हो रहा है। शायद जो कैपेसिटी क्रिएशन की बात है, अगर हमें चाइना को रिप्लेस करना है या चाइना का अल्टरनेटिव इमर्ज होकर आना है तो हमें कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये भी सही है कि जिस तरह का चाइना का है कुछ सेक्टर्स में, अभी हमारी कुछ दिनों तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहेगी, बट जैसे ही हम PLI स्कीम सक्सेसफुल होगी, जैसे मोबाइल में ऑलरेडी बहुत सक्सेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सक्सेस आ रही है, तो प्रॉब्ली हमारी डिपेंडेंस भी चाइना में कम होती जाएगी। आपने सही कहा, जो 14 सेक्टर में हमारी PLI स्कीम आई है उसका फायदा हमें आने वाले सालों में मिलेगा। डॉक्टर कोंडापल्ली, हम आपके पास आना चाहेंगे, लेकिन अभी हम बात करें रेटिंग एजेंसीज की, चाहे वो क्रेडिट स्विस की बात करें, मॉर्गन स्टैनली की बात करें, इन सब का ये कहना है कि इन सब चीज़ों के चाइना क्राइसिस के बावजूद चाइना इज स्टिल द चीपेस्ट मार्केट, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें वैल्यूएशंस के लिहाज से। तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट के मौके आएंगे, बढ़ेंगे आने वाले दिनों में? गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट कुछ 20 साल पहले ऐसे ही कहा, और अभी उन्होंने भी इसका इवैल्यूएशन कम करते जा रहे हैं चीन का। वास्तविक में तो भी उनका आर्थिक परिस्थिति पर बहुत सारा फर्क पड़ा, जैसे कि 2010 में उनका 10% GDP ग्रोथ थी, पिछले साल या इस साल वर्ल्ड बैंक का आंकड़े के मुताबिक इसका 2.4% का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होंगी इस साल में, मतलब 22 में, 2022 में। तो इसके ये है कि ग्रोथ रेट्स आर फॉलिंग, नंबर वन। वैसे ही उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत मशहूर है, कुछ 40% GDP के अंदर है उनका, पहले कुछ 10-15 साल में
56% था उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन अभी कम हो गया क्योंकि उन्होंने सर्विस सेक्टर पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम भारत से कंपेयर करें तो हमारा सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे रोजगारी मिलती है, तो ये एक एडवांटेज चीन के लिए है जिसका जो पर कैपिटा इनकम उस पर डिपेंड होता है। लेकिन अभी ग्रोथ रेट्स भी कम होते जा रहे हैं चीन में, और भारत का ग्रोथ रेट्स बढ़ रहे हैं इस साल, मतलब 22 में पिछले साल कुछ 6% का एस्टिमेट बनाया था। तो इसमें लगता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो बहुत सारे प्रोग्राम्स थी, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सागरमाला, ऐसे जो प्रोग्राम्स लागू करने से कुछ फायदा भी हुआ। तो अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले कुछ 16% थी, अभी 20-24% के बीच में है, तो ये अभी बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए कुछ 40-50% तक, क्योंकि वहाँ पे रोजगारी की समस्या सॉल्व होती है। तो एक ये चीज़ है भारत और चीन का कंपैरिजन में। दूसरा चीज़ उनका ये है कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो चीन में इन्वेस्ट किया था, जैसे कि अमेरिका के कुछ 70,000 कंपनियां चीन में है, वैसे ही जापान के कुछ 80,000 कंपनी चीन में है। वो अभी क्योंकि उनका पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, डीकपलिंग प्रोसेस है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुई और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका लागू किया, और शिंजो आबे ने कुछ $200 बिलियन का इंसेंटिव दिया जापानीज कंपनीज को साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशियन मार्केट में ट्रांसफर होने के लिए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा, मल्टीनेशनल कंपनीज चीन से हटकर दूसरा जगह पर जा रहे हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया। कुछ कंपनियां जैसे कि फॉक्सकॉन, अभी भारत में भी बहुत सारे जगह उन्होंने ढूंढ लिया, और TSMC जो ताइवान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के, वो भी अभी गुजरात में, पुणे में, और कई जगह पे उन्होंने बिग इन्वेस्टमेंट्स जो $20 बिलियन का वैसे फिगर्स आंकड़े बताते थे। तो इसकी वजह से भारत का आर्थिक विधान पर बहुत सारा अंतर होगी। लेकिन दो तीन चीज और भी होना चाहिए, जैसे कि हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस बहुत कठिन है, और हमारा लेबर लॉस भी बहुत कठिन है, जो पार्लियामेंट उसका रिफॉर्म तो करना ही चाहिए। और लैंड एक्विजिशन, जैसे कि शिनकानसेन हाई स्पीड रेलवे अहमदाबाद टू मुंबई वो थी, लेकिन और वो भी कुछ $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अभी तक लैंड एक्विजिशन हो नहीं पाई। तो इसमें भी कुछ रिफॉर्म चाहिए, जो सेकंड ट्रांच ऑफ रिफॉर्म्स कहते हैं हम, इसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले आना चाहिए, पार्लियामेंट में इसका बहस होना चाहिए। और बहुत सारे जो प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनके भी बहुत सारे रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया भारत में, 3 दफा उनका बदलाव आई। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी भारत कहलाया जाता है। तीसरा, जो हमारा मिडिल क्लास, जो 40 करोड़ मिडिल क्लास जो कंजम्पशन, बल्कि भारत का एक स्पेशलिटी है कि हमारा कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है, तो कोई भी इकॉनमी इनके मदद ले सकती है। और कुछ 59% हम कंज्यूम करते हैं जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक फायदा है भारत के लिए। तो और कोई और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं कि हमारा एडवांटेजेस, जैसे कि हमारा उम्र, अभी एवरेज उम्र कुछ 26 साल का है, चीन का कुछ 38 ईयर्स हैं।
और उनका एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनका बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडिया में कहा जाता है कि 3/4 हमारे पॉपुलेशन यंग है, इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। गरिमा कपूर, हम आपके आसपास आना चाहेंगे, अभी कुछ ही देर पहले ही एडवांस एस्टिमेट GDP का आया है, वहाँ पर भी सरकार का ये मानना है कि 7% का ग्रोथ भारत का इस साल का रहेगा। अगर हम अगले साल की बात करें, 2023 की बात करें, जब वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है, तब आपको क्या लगता है कि भारत की ग्रोथ कितनी रहेगी और इसमें किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग के हब बन सकते हैं? सर्विसेज में हमारा कितना ये होगा? तो क्या आप उस पर कुछ लाइट डाल सकते हैं? देखिए, ये 7% ग्रोथ अभी एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ है, वो एक्चुअली RBI के एस्टिमेट से 20 बेसिस से हाई है। तो टू गिव अ रिस्पॉन्स, फर्स्ट इम्प्रेशन कि ये गुड नंबर है। सेकेंड, अगले साल के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन है कि 6-6.1% ग्रोथ इंडिया का आ सकता है। देखिए, हर साल जब इंडिया ग्लोबल रिसेशन होता है, तब नॉकडाउन इफेक्ट जो इंडिया को लगता है इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन, वो 100-100 बेसिस पॉइंट तक देखा है हमने, अगर हम लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखें तो। तो क्लियरली अगर 7% का हमारा ग्रोथ रेट रहा है इस साल, तो क्लियरली 100 बेसिस का मिनिमम इम्पैक्ट तो उस पर आ सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ें पॉजिटिव हैं। एक तो प्राइवेट केपेक्स रिकवरी के नेसेंट साइंस हमको दिख रहे हैं, ग्रीन शूट्स आर क्वाइट एविडेंट। पब्लिक केपेक्स स्पेंडिंग बहुत अग्रेसिव है, अगले साल भी अबाउट 20% से ज़्यादा ऑन बैलेंस शीट ग्रोथ हो सकता है गवर्नमेंट केपेक्स का। तीसरा, ऑल्दो अर्बन डिमांड थोड़ी वीक हो रही है ऑन द गुड साइड, ऑन द सर्विस साइड अभी तक हमको स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगला साल क्या होगा, बिकॉज आपका एक्सपेक्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइजेस एलिवेटेड रहे हैं, प्लस ये रबी क्रॉप जितना हमको एक्सपेक्टेशन था डैमेज रहेगा बिकॉज ऑफ एरेटिक रेन्स उतना नहीं रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन कि रूरल डिमांड नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। ये याद रखिए, पिछले 4-5 क्वार्टर में हमने बहुत सीवियर स्लो डाउन देखा है रूरल इकोनॉमी में, वो भी थोड़ा बहुत रिवर्स होने लगेगा। तो मेरे ख्याल से तो अर्बन का इम्पैक्ट है पार्टली थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाएगा रूरल में, हेंस कंजम्पशन विल बी हेल्प, इन्वेस्टमेंट में नेशन रिकवरी आ रही है। यस, इतना ज्यादा अग्रेसिव ग्रोथ नहीं आएगा जितना हमें इस साल आया है बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, लेकिन ग्रोथ स्टेबल और कंसिस्टेंट रहेगा। जो ये दो अगर हम कंपोनेंट देखें, तो आपका जो इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट्स पे जो आएगा, पर्टिकुलरली अगर US रिसेशन में जाता है और यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में है एंड ऑफकोर्स विद चाइना, तो वो नॉकडाउन इफेक्ट का कॉम्पनसेशन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 6% ग्रोथ इज अ हेल्दी एस्टिमेट अगले साल को देखें, गिवन दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी माइट बी इन अ रिसेशन। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 6% का ग्रोथ हम देख सकते हैं, 5.5-6% की ग्रोथ सभी का कहना है। डॉक्टर अजय शाह, हम आपके पास आना चाहेंगे, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो आपको क्या लगता है, जैसे चाइना का 2001 में हम देखें तो वर्ल्ड मार्केट शेयर में एक्सपोर्ट में 4% था, जो 2021 आते आते ये बढ़ के लगभग 15% हो गया है। भारत अभी उस मामले में काफ़ी पीछे है। अगर हम आपसे प्रोजेक्शन मांगें कि अगले शॉर्ट मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में भारत अपने एक्सपोर्ट को कितना बढ़ा सकता है और वर्ल्ड ट्रेड में हमारा हिस्सा कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, ये एक माइंड में रखना चाहिए, हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी एक्सपेंड करते हैं, इन द प्रोसेस हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। और अगर आप पिछले कुछ सालों में देखिए, इंडिया का एक्सपोर्ट काफी स्ट्रगल किया था, हम $300 बिलियन के आसपास थे और ग्लोबल ट्रेड भी उसी रेशियो में बढ़ रहा था। अब हमने कुछ सालों में देखा है कि हमारा फोकस एक्सपोर्ट्स पे आ गया और हमारा फोकस ना सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे आया है, इवन सर्विसेज में आया है और सर्विसेज ग्रोथ भी काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट सर्विसेज में हमारा सरप्लस जो है मंथ ऑन मंथ बहुत बढ़ रहा है, जिससे टू सम एक्सटेंट जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है उसको भी हम बैलेंस करने जा रहे हैं। और जहां आने वाले दिनों का सवाल है, हम लगता है कि हमने अभी टारगेट रखा है 2030 तक हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। $1 ट्रिलियन हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। और जहां तक हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया 2047 पे देखते हैं, तो हमें लगता है उस समय इंडियन इकोनॉमी को हम अराउंड $35 ट्रिलियन के पास देखते हैं और 25% अगर हम उसमें अपना शेयर रखना चाहते हैं तो अराउंड $7.5 ट्रिलियन का हम एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं। एक चीज जो हमें कर रहे हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, हम थोड़ा एक्सपोर्ट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा 70% एक्सपोर्ट उस सेगमेंट का है जिसका ग्लोबल इंपोर्ट सिर्फ 30% है और 30% एक्सपोर्ट हमारा उस सेगमेंट को जाता है जहां ग्लोबल मार्केट जो है वो 70% कंस्टिट्यूट करता है।
जैसे आज की डेट में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ये तीन सेगमेंट मिलके 35% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट्स है और अराउंड 6.7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। इसमें हमारा शेयर अभी 1% से कम है और क्योंकि मेजर ग्रोथ यहीं पे हो रही है और लकीली हमारी जो पीएलआई स्कीम है उस स्कीम में हम सब देख रहे हैं, ये सब सेगमेंट कवर है, तो यहाँ पे हम मेजर एक जंप देने की बात कर रहे हैं। सेकेंडली हमें ये भी लग रहा है कि हमारे लिए ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी बहुत से में पीएलआई स्कीम आई है और हमने देखा है जनरल इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अपैरल में बहुत साल तक इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं है लेकिन अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो आने वाले हमें दिनों में लगता है जैसे पीएलआई स्कीम है या जनरल हमारा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा, जब ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स कल्चर हुआ है उसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा पिछले 6 महीने में अगर आप इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखें तो करीब 14 हुए हैं और चाइना में 11 हुए हैं, तो इस फील्ड में भी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे पास जो प्रोफेशनल मैन पावर है वो ना कि सर्विसेज बट इवन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम लाने में इंडिया में काफी सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारा स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट, अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ता है तो उससे सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ेगा, हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। डॉक्टर कोन्नापल्ली, अब हम आपके पास आ रहे हैं इकोनॉमिक इशू से हट के अगर हम पॉलिटिकली देखें तो क्या आपको लगता है चाइना में जो ट्रबल्स हो रहे हैं इसका फायदा भारत को पॉलिटिकली मिल सकता है? हमारे जितने भी नेबर्स हैं सभी जगह ट्रबल्स है, तो और हमारा हम अपना रिश्ता अगर पाकिस्तान के अलावा बात करें, श्रीलंका हो, नेपाल हो, वर्मा हो, इन सब के साथ हम अपने रिश्ते को वहाँ इन्वेस्टमेंट करके अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको ये लगता है? पहले चीज, जो कोविड के जो महामारी चीन में बहुत फैल रहे हैं, एयरफिनिटी एक यूके के एक थिंक टैंक है जो उन्होंने कहा है कि कुछ 230 मिलियन लोगों का ये इन्फेक्शन हुई है चीन में और कुछ 5,000 से 6,000 तक लोग का घायल हो रहे हैं हर दिन। तो अगर ये आंकड़े ठीक है तो मुझे लग रहा है कि स्लो डाउन इज एक्सपेक्टेड स्टिल इन चाइना ऑन द इकोनॉमिक रिकवरी फ्रंट। जो उनका पीएमआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह भी थोड़ा सा फर्क पड़ा, कम हुआ, गति हुई, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो डिमांड भी कम हुई रिलेटिवली, तो इसकी वजह से चीन का भारत का फायदा है। वैसे जो पॉजिटिव्स, हमारा जो फंडामेंटल्स है वो ठीक है, तो इसी वजह से एक इसका फायदा हम उठा सकते हैं। दूसरा चीज जो आपने साउथ एशिया के बारे में बताया, जिसमें उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी कमजोर होते जा रहे हैं कुछ देशों में, जैसे कि श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई पिछले साल जो फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, और जो उन्होंने हम्बनतोटा और कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट और जो आईएमएफ लोन्स के बारे में भी एक स्टिफ पोजीशन थी चीन का, उससे भी बहुत नुकसान हुई श्रीलंका को। और नेपाल में भी आज नया सरकार है वहाँ पे, तो ये कुछ प्रो चाइना का पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि नेपाल में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकती है क्योंकि करप्शन चार्जेस भी ज्यादा है जैसे कि श्रीलंका में। तो हम यही जानना चाहते थे कि पॉलिटिकली क्या भारत इसका फायदा उठा सकता है चाइना के वीकनिंग का, चाहे श्रीलंका से बात करें, नेपाल से बात करें, इन सभी देशों से हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका जो इंटीग्रेशन, जैसे कि हम नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि 25 किलोमीटर का रोड हम ले कर रहे हैं हर दिन, तो इससे इंटीग्रेशन हो सकती है अगर साउथ एशिया के जो कंट्रीज को अगर हम जोड़े हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, तो इससे बहुत सारा फायदा है हमें, हमारे लिए और साउथ एशिया के लिए। दूसरा चीज जो डिजिटल कनेक्टिविटी, ये भी हम तय कर रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज से, इससे भी बहुत फायदा है। बिल्कुल, तो हमारे डिस्कशन से यही निकल के सामने आया है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में भारत के लिए ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी है और आने वाले साल भारत के इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छे हैं,
चाहे वो इकोनॉमिक वाइज भी देखें और पॉलिटिकल रिलेशंस में भी हम अपना अच्छा कर सकते हैं, खासकर साउथ एशिया रीजन में। दूसरी तरफ G20 की मेजबानी भर मिली है भारत को इस साल, तो इसका भी फायदा हमें अपना परसेप्शन को वर्ल्ड इकोनॉमी में करने को मिलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना उत्तर देश पे आने के लिए। आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह हम आएंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ स्पॉटलाइट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। association with